श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो, आज हम आपके लिए प्रदीप मिश्रा जी का कथा में वर्णित किया हुआ एक और उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और आपके जीवन में अनायास ही अचानक से परेशानियां आ जाती हैं, आप एक समस्या से निकलते हो दूसरी समस्या में फिर से फंस जाते हो, आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि आप उपाय करके भी थक गए हो और आपका कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। इस उपाय को करने से आपकी समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। इस उपाय को आपको केवल और केवल सोमवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक सामग्री की जरूरत होगी, वो होगा लाल चंदन। जी हाँ, आपको सामग्री में सिर्फ लाल चंदन लेना है और साथ में आपको एक लोटा जल ले लेना है, बस आपको इसकी ज़रूरत होगी। इसके अलावा को किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं होगी। किंतु याद रखिएगा कि यह उपाय आपको शाम होने से पहले पहले करना है। कोशिश कीजिए या सुबह ही करें, क्योंकि इस उपाय को सुबह ही करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय नहीं बल्कि बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है। याद रखिए, जब पेड़ की बात की जाए तो आपको पेड़ के पास ही जाना है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यह जो उपाय है बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना है, आपको पौधे के नीचे नहीं करना है। अर्थात जो भी पेड़ की छाया आपके ऊपर पड़ सके, यह उपाय केवल और केवल उसी पेड़ के नीचे करना है। आप बड़े पेड़ का इसका इस्तेमाल करें, गमले में लगे हुए पौधे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप झुक कर यह उपाय करोगे तब आपके ऊपर उसकी पत्तियों की छाया नहीं पड़ेगी। यह उपाय तभी करेगा अगर आपके ऊपर उन पत्तियों की छाया पड़ेगी। यह प्रदीप मिश्रा जी ने बार बार बात पर जोर देते हुए कहा है कि आपको पेड़ का इस्तेमाल करना है, पौधे का नहीं। तो इस उपाय को करने के लिए आप सोमवार का चयन कीजिए। सुबह सुबह आप एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाइए। आपने यह जो जल है आपने समर्पित कर देना है बेलपत्र की जड़ में। जी हाँ, आपने लाल चंदन वाला यह जो जल आपने बनाया है जड़ में समर्पित कर दें। यह उपाय आपको सोमवार के सोमवार करना है। इसके अलावा को कुछ भी चीज़ समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके सामने अपनी समस्या कह दीजिए, महादेव आप पर जल्दी प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे।